हस्तिनापुर की पावन धरा पर स्थित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए चल रहे 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के 32वें दिन सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री अशोक जैन पाटनी आर के माबल किशनगढ़ को प्राप्त हुआ। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री अशोक पाटनी किशनगढ़ को प्राप्त हुआ। भगवते श्रीमते पवित्र अष्ट प्रातिहार विराजमान करोमि अष्ट प्रातिहार शांति धारा की ओर। शांति धारा में आज 32वां दिन है। आचार्य मानतुंग स्वामी 32वें काव्य की रचना करते हुए आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। गंभीर तार रव पूरी दिग्विभागास तेरे लोक के लोक शुभ संगम भूति दक्षा स धर्म राज जय घोषण घोष कासन खे धुंद बी धुरण तिते यश सा प्रवादी। हे नाथ, दशों दिशाओं में नगाड़े दीव धुंद भी बजा रहे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, तीनों लोकों में आपके यश का गान हो रहा है, सभी देव धुंदमी नगाड़े बजाकर ये सूचित कर रहे हैं कि चलिए भगवान का समोशरण लगा है। भगवान के समोशरण में अगर सभी प्राणी अपना कल्याण करना चाहते हो तो उन तीर्थंकर भगवान के चरणों में चलना है। आज शांति धारा करने का सौभाग्य हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी श्रीमती सुशीला पाटनी जिनकी आज शादी की सालगिरह है। हम सभी उनके धर्म की वृद्धि के लिए, उनकी सुख शांति के लिए मंगल कामना करते हुए और श्री विनीत जी पाटनी, श्री शुचि पाटनी, आदि पाटनी, अरहन पाटनी, आरके मार्बल फाउंडेशन मकराना रोड मदनगंज किशनगढ़ वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और इसी के साथ आज सोधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री अमन जैन जी, श्री शगुन जैन जी, अंजू जैन जी, जय कुमार जैन जी, ऋषभ जैन जी, तरुण जैन जी, नीनू जैन जी, यमुनानगर परिवार वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरी ओर से श्री महेश चंद्र अजय जैन जी देवबंद वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और सभी इंद्रगण तो अपना सौभाग्य भगवान का अभिषेक करके प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन यहां पर सची इंद्रानियों ने भी मारने पर अष्ट प्रातिहारे विराजमान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसमें श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती मेघा जैन, श्रीमती नीनू जैन, यमुना, अंजू, शगुन सब परिवार, सुचेला जैन दिल्ली वालों ने अष्ट प्रातिहार विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री अमन जैन, श्री जय कुमार जैन यमुनानगर हरियाणा, श्री महेश चंद जी, श्री अजय कुमार देवबंद सहारनपुर को प्राप्त हुआ। श्री शांति रस पाटनी, आदि पाटनी, अरहन पाटनी, श्री अमन जैन जी, शगुन जैन जी, नीनू जैन जी, मेघा जैन, चंद्र जैन, अजय जैन देवंद सब परिवार, श्रीमती सुचेला जैन जी, सकल दिगंबर जैन जनेतर समाज जैन जी स्वास्थ्य लाभार्थम तुष्टिरस्तु आयु आरोग्येश्वरी विधिरस्तु सदास्तु ओम अनाहत विद्याय नमोरियंता नम्रम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम हरिम श्री शांतिम कुरु कुरु ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः आया भगवानु पीर सिर पर तेरे दर पर हो तब विभाति ससांके कास्ते के ते भानु करा प्रतर जा लिविवद्र सोभम अरुणेश्वर त्वम चारु सोभम विपोति कांतक
दीप प्रज्वलन श्री आयुष जैन ने किया। घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो ना बच पाएगा थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो ना बच पाएगा तेरे हर एक गुनाह पर है उसकी नजर तेरे हर एक गुनाह पर है उसकी नजर उसकी नजरों से बच कर कहा जाएगा ओ थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो ना बच पाएगा ओ थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो ना बच पाएगा मन में है कुछ और वचन में है कुछ तेरे मन में है कुछ और वचन में है कुछ झूठ से तूने जग को बहुत है चला ओ झूठ से जग को तूने बहुत है चला पूर्व पुण्योदय से पूर्व पुण्योदय से इस भव में बच गया अगले भव में तू बच कर कहा जाएगा ओ थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो ना बच पाएगा तेरे मन में है कुछ और वचन में है कुछ ओ तेरे मन में है कुछ और वचन में है कुछ झूठ से तूने जग को बहुत है चला ओ झूठ से तूने जग को बहुत ही चला पूर्व पुण्योदय से इस भव में बच गया पूर्व पुण्योदय से इस भव में बच गया अगले भव में तू बच कर कहा जाएगा थोड़ा पापों से डर थोड़ा कर्मों से डर जब मिलेगी सजा तो न बच पाएगा। तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ जिसमें 111 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया। मुख्य रूप से श्रीमती सुनीता जैन देवबंद, मेघा जैन देहरादून, श्री मीनू जैन अंजू जैन शगुन जैन यमुनानगर हरियाणा, श्री सुचेता जैन दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती रानी जैन, श्री रेणु जैन, आयुष जैन, नमन जैन शाहदरा दिल्ली, आगम जैन मेरठ को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ क्षेत्र के महामंत्री श्री मुकेश जैन सर्राफ, श्रीमती नीलम जैन मेरठ ने संस्कृत भाषा में किया। इस बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, सुनील जैन, रोहित जैन, सदर सर्राफा मेरठ, श्रीमती रजनी जैन, श्री ज्ञान प्रकाश जैन तिलक नगर कानपुर, श्रीमती स्वराज जैन, भूपेंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, अंकुर जैन, अतिशय जैन, शगुन जैन शास्त्री नगर मेरठ, श्री प्रदीप जी चौधरी एवं परिवार चरखा बीड़ी खुरई सागर मध्य प्रदेश ने पाठ का वाचन किया। जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा। दस दल कमला देपते क्लीम महाबीज अक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र द्वितीय बल मध्य पूर्णर्गम निरूपामिति स्वाहा। ओम निमरण नमो ओइजणा नमर्गम निरूपामिति नमो सब ओइजण परम सब नमर्गम निरूपामिति मिन सोदारण मर्गम निरूपामिति ओम निमरण से ओम निमरण ओइवदण मर्गम निरूपामिति स्वाहा। पीड़ा मर्गम निरूपामिति हम लोग जमुना नगर से
छः सात बंदे आए हुए हैं और सबने यहाँ हसनापुर में आके अष्टायन का पर्व और भक्तांबर विधान किया है। भक्तांबर पाठ में हमने शांति धारा की बोली ली और शांति धारा की बोली के साथ साथ छतर प्रतिहारी भी की स्थापना की। हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके। ये 32वां पाठ है, इसके बाद 5-7 पाठ हो रहे हैं, इसके बाद हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। हमने यहाँ पर पाठ किया भक्तांबर का, हर साल आते हैं और हम मेरी सबसे अनुरोध है कि आप सभी आएं और धर्म लाभ उठाएं। हमें बहुत अच्छा लगा, सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आकर पाठ के करें और उसका लाभ उठाएं। हमें पाठ कराने में बहुत रुचि है और अच्छा लगता है। यहाँ पर हम हर साल पाठ कराते हैं, पाठ कराने में बहुत अच्छा लगता है। शांति धारा की बोली ली है, शांति धारा करके मन को बहुत शांति मिलती है। आप लोग भी आएं और सब लोगों को कराएं। यहाँ पे शांति धारा की बोली ली है और हर साल आते हैं। हम ये भावना रखते हैं सभी जैन बंधु जैन धर्म लाभ उठाए और इस पाठ में लगें और मन को शांति बहुत ही मिलती है। मैं यहाँ पे 6 साल पहले आया था, एक बार यहाँ पे भक्तांबर का पाठ किया था। 6 साल बाद दोबारा यहाँ पर आने का अवसर मिला और बहुत ही आनंद आया है यहाँ पे पाठ करने का। और मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ वो यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा अनुष्ठान चल रहा है यहाँ पर और धर्म अपना सबको बढ़ाए। मैं 6 साल बाद यहाँ पर आके पाठ कर रही हूँ और बहुत ही आनंद आया और सबसे विनय करूँगी हाथ जोड़ के कि यहाँ पे आप आएं और धर्म लाभ उठाएं। हम हर साल 5 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, हमें पाठ करके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम सबको यही कहेंगे कि यहाँ आकर सब अपने कर्मों की निर्जरा के लिए एक बार जरूर यहाँ पर आके भक्तांबर का पाठ करें। मैं सबसे यही कहूँगी कि यहाँ आए और आके ये पाठ करवाए और अपने मन को शांति दे। अब ये 14वां साल चल रहा है, मैं आज सबसे प्रार्थना करती हूँ एक बार जरूर आओ, इस भक्तांबर पाठ की महिमा को देखो और अपनी मनोकामना पूरी करो। आज हमें भक्तांबर का पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज सभी से अनुरोध है, आप जो भी देख रहे हैं आप कृपया यहाँ पे जरूर पधारे, एक बार भक्तांबर का पाठ अवश्य करवाएं। मैं देहरादून से हूँ और जो है मैं यहाँ जब से जो है कैलाश पर्वत से जुड़ा हूँ, जब से जो है यहाँ प्रतिवर्ष आता हूँ और लगभग 3 या 4 साल से मैं पूरे 48 दिन यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पर 48 दिवस ये जो भक्तांबर पाठ चलता है उसमें जो है सम्मिलित होता हूँ। यहाँ भक्तांबर का विधान करने से मन को और शरीर को बहुत शांति मिलती है और मेरी सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना है कि वो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए और मन की शांति के लिए एक बार अवश्य आएं और यहाँ पर भक्तांबर विधान में बैठें। कुंदागे दाते चले चामर चारु सोबा विभ्राजते तव वपु कल धोते कांतम उच्चे ससांक सुचि निर्जर वारि धारे मुचे तटम सुर गिरी वे साते कोम्ब तव विभाति ससांकि कांतान मुचे स्थितम स्थिगता बनु कर प्रतापम मुक्ता फला प्रकर जाल वृदत्ति सोभम प्रख्यापयत्ति जगता परमेश्वरतम। हम यहाँ पे संत 11 से हस्तिनापुर आदिनाथ भगवान के कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। हम सब लोग बाग सन 11 से हस्तिनापुर आ रहे हैं और जब से कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान विराजमान हुए हैं तो सन 11 बाद के बाद में हमारे ऊपर इनका इतना आशीर्वाद है कि हमने इनके आशीर्वाद से जयपुर में मोहना मंडी के पश्चिम दिशा में शेषपनी पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना करवाई है और मंदिर में भगवान विराजमान करवाए हैं और प्रतिवर्ष हम यहाँ पे आते हैं और इनके आशीर्वाद से हम सब संपन्न हैं और इनके आशीर्वाद से जैन धर्म की प्रभावना खूब हो रही है और आगे भी होती रहे और सब सुखी और संपन्न रहें। यहाँ पर भक्तांबर पाठ चल रहा है, आप भी एक पाठ जरूर कराइए। हम तो बहुत पहले से आते हैं यहाँ पे, बहुत मन लगता है, आप जरूर एक पाठ कराइए। यहाँ पे भक्तांबर पाठ चल रहा है, मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। आप सभी भी आए, हमारी तरफ से भी पाठ होता है, आप आके यहाँ पे आनंद लें, बहुत अच्छा पाठ होता है, बहुत मन लगेगा आपका।
आदिनाथ भरत बाहुबली जिनाले में मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी के सानिध्य में 5100 दीपकों द्वारा विशाल भव्य महाआरती की गई। विधान का विसर्जन ब्रह्मचारी चंदन भैया फिरोजपुर ने किया। परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रीमती संगीता जैन, श्री आनंद कुमार जैन शहडोल मध्य प्रदेश ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री नेहा जैन, श्री वैभव जैन दिल्ली ने किया। 2400 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री यश जैन, श्री नमन बजाज खुरई सागर मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया।